कुछ मूवी ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपने कोई भी उम्मीद उनसे नहीं लगाई हुई होती है, बस जाते हैं और सोचते हैं कि यार ठीक है यार इसे भी देख ही लेंगे, लेकिन वो मूवी आप लोगों को सरप्राइज कर देती है। तो आज उसी एक सरप्राइज मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जंगल क्रूज। तकरीबन जो इसकी लेंथ है वो 2 घंटे के आसपास है और मेन भूमिका, मेन कलाकार जो इसमें नजर आने वाले हैं द रॉक और एमिली ब्लंट, इन दोनों की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है इस मूवी में। पर अब इस मूवी की स्टोरी की चर्चा कर लेते हैं। एक ऐसा जंगल है जिसके अंदर एक ऐसा पेड़ जिसका पत्ता यानी पेटल अगर वो किसी को मिल जाए या फिर उसका उसके पत्ते में इतनी पावर है कि वो हर बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन आज तक उस पत्ते को कोई पा नहीं पाया। लेकिन हाँ एक ट्राइबल इसके अंदर दिखाई जाती है, उनको उसके बारे में पता होता है, वो रक्षा कर रहे होते हैं इस पेड़ की। अब कुछ लोग उस तक पहुंचना चाहते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते, उस जंगल में श्राप उनको दे दिया जाता है, वो वहीं फंस के रह जाते हैं। काफी सारे लोगों ने ट्राई किया लेकिन कोई पहुंच नहीं पा रहा। अब देखो यार ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि अगर वो वहां तक दिखाएंगे नहीं उसके पहुंचने की जर्नी तो मूवी आगे इंटरेस्टिंग होगी कैसे। तो ठीक है कुछ लोग पहुंचते हैं, उसमें कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, ये वाली जर्नी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलती है कि भैया कुछ लोग उसको पाना चाहते हैं, मतलब उस पत्ते को पाना चाहते हैं, वो अमीर बनना चाहते हैं, फलाना फलाना, वही स्टोरी यार पैसे का मामला है। ओवरऑल मूवी की स्टोरी की बात करूं तो देखो यार मुझे पर्सनली ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आई। इसके स्टार्टिंग से लेकर इसके एंडिंग तक मैं इस मूवी के साथ कनेक्ट रहा, एडवेंचर देखने को मिलता है और इसमें जो कलर इसके अंदर यूज किए गए हैं वो इतने ज्यादा ब्राइट है, देखकर यार एक संतुष्टि मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और तरह तरह के स्पीशीज यानी तरह तरह के जानवर देखने को मिलते हैं, वो इतना सुंदर लगता है उनको देखते हुए, एक रिलैक्स हो जाते हैं उसको देखकर, बस हाँ ऐसे अच्छा है। और जो इसके अंदर विलन दिखाए गए हैं देखो यार उनको देखकर मुझे पायरेट्स ऑफ कैरिबियन की याद आ गई, मतलब समझ पा रहे हो ना मैं किस टाइप के विलन की बात कर रहा हूँ, जैसे उनका मतलब VFX यूज किए गए हैं वो काफी ज्यादा अच्छे लगे मुझे। इसकी एंडिंग मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, प्रेडिक्टेबल तो नहीं कहूंगा कि मैंने ऐसा सोचा था, मैंने देखो यार कुछ भी नहीं सोचा था जब मूवी देखने गया, बस मैंने कुछ भी ऐसा माइंड में लाया नहीं कि ऐसी ऐसी मूवी होने वाली है, इसके अंदर ये स्टोरी चलने वाली, कुछ भी नहीं सोचा, बस देखकर मतलब बैठा था और इसको देख रहा था जैसे चीजें चल रही थी, बस कोई भी उम्मीद नहीं, बट खुश था मैं देख रहा था, उसके अंदर कॉमेडी आ रही है, एडवेंचर हो रहे हैं, ये सब चीजें देखकर अच्छा लग रहा था। बार बार अच्छा कुछ बहुत ज्यादा यूज कर लिया मैंने। और जब ये मूवी खत्म हुई फिर मैंने इसका ट्रेलर देखा यूट्यूब पर, और सच कहूं यार इसका ट्रेलर बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता ये मूवी क्या है। सच में अगर आप लोगों ने ट्रेलर देखा और आप सोच रहे हो यार ऐवें ही होने वाली है तो सीरियसली मतलब मूवी बहुत डिफरेंट है, ट्रेलर में वो चीजें इसमें दिखाई नहीं गई है। तो ट्रेलर को छोड़ो यार तुम मूवी देखने जाओ, काफी अच्छी मूवी है, इसको देखो और एक्सपीरियंस करो। अब मतलब मैंने कहा रिलैक्स फील करोगे आप, शांत हो जाओगे इस मूवी को देखकर। ऐसा नहीं है कि आप जब मूवी देख रहे हो तो आपको ज्यादा सोचना पड़ रहा है या फिर आप जिसमें मूवी को देख रहे हो तो बोर होना पड़ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस अगर आपको कोई टेंशन है, मतलब ज्यादा वाली टेंशन नहीं है, तब तो यार मूवी कहां से काम आने वाली, एक हल्की फुल्की काम की टेंशन है, तरह की क्लैश चल रही है ये सब, तो आप सोच रहे हो यार एक ऐसे ही कुछ देख लेते हैं, तो ये मूवी जब आप देखने बैठोगे तो आपको कोई अपने दिमाग पे जोर नहीं डालना है कि यार हाँ इसको ऐसे एंजॉय करना है, बस आप बैठो मूवी चल रही है ये आपको ऑटोमेटिकली रिलैक्स कर देगी। और सच में ऐसा मैंने फील किया है तब मैं बोल रहा हूं, और हो भी क्यों ना यार देखो अच्छी यार, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फालतू का वल्गर सीन नहीं है, कोई भी ज्यादा वायलेंस नहीं है, वायलेंस तो नहीं है लेकिन हाँ वो थोड़े बहुत मारपीट तो यार देखो देखने को मिलती है, एडवेंचर जैसे इसके अंदर दिखाई जाती है, ग्रीनरी ग्रीनरी जब देखने को मिलती है, तो जो ये 2 घंटे का जो टाइम इसमें दिखाया गया वो कब बीत जाता है शुरू से लेकर आखिर तक, जैसे हमें कहा ना कनेक्ट रहते हैं, वो कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और मेरे मायने मतलब मेरी नजरों में यही मैं इस मूवी की खूबसूरती समझता हूं कि हमारा टाइम स्टार्ट कब हुआ खत्म कब हुआ ये पता ही नहीं चला, हम इस तरीके से इस मूवी के साथ या किसी भी मूवी के साथ किसी भी सीरीज के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हम उससे अच्छे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, उसको एंजॉय कर पा रहे हैं, मेन पर्पस होता है मूवी का यार हम एंजॉय कर पाए, हमारे जो टेंशन थी वो थोड़ी देर के लिए भले ही वो शांत हो जाए, तो वो मेन पर्पस अगर वो फुलफिल होता है तो हाँ मुझे वो मूवी काफी अच्छी लगती है। और ये बात मैं इस मूवी के लिए बोल सकता हूँ, काफी ज्यादा तारीफ कर दी है मैंने इस मूवी के बारे में, अब सोचोगे यार थोड़ी बहुत बुराई भी तो होगी, तो मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ भी बुराई करने का, मुझे ओवरऑल मूवी काफी पसंद आई है, एंडिंग मुझे इसकी पसंद आई है, परफॉर्मेंस के अंदर अच्छी है, कलरफुल एक मूवी है, तरह तरह के स्पीसीज देखने को मिलते हैं, कॉमेडी भी है इसके अंदर, एक छोटा मोटा सस्पेंस भी आता है इस मूवी के अंदर, तो इतना कुछ है तो मैं क्यों बुराई करने लगा है इसके बारे में। तो मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 8 out of 10 सर। अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी है तो प्लीज कॉमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी, अगर नहीं देखी तो जाकर देखो यार, प्यारी मूवी है, अच्छी मूवी है, फैमिली के साथ भी आप देख सकते हो, ऐसा कुछ है तो नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।